दिल्ली में बीजेपी ने आपको घेरा। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर पूछा सवाल। 2500 करोड़ रुपए का मांगा हिसाब। दिल्ली में विधानसभा सत्र के तीसरे और आखिरी दिन बीजेपी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक काले कपड़े पहनकर और यमुना नदी का पानी बोतल में लिए विधानसभा पहुंचे और आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने पूछा कि यमुना के लिए केंद्र से मिले 2500 करोड़ रुपए कहां गए। जिस प्रदूषण को कम करने का दावा आम आदमी पार्टी ठोक रही थी वो कम होने की बजाय दोगुना हो गया। बीजेपी विधायकों के एक हाथ में यमुना के पानी से भरी बोतल थी तो दूसरे हाथ में तख्ती। इन पर 8 सालों में यमुना का प्रदूषण हुआ दोगुना। केजरीवाल शर्म करो जैसे नारे लिखे हुए थे। विधायकों ने विधानसभा के बाहर आप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की। विधायकों ने कहा कि वे सदन के अंदर भी यमुना प्रदूषण के मुद्दे को उठाएंगे और अगर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं की गई और सरकार बहस से भागती है तो हमारा प्रदर्शन इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। बीजेपी नेता रामबीर सिंह बधूड़ी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र से आप सरकार को 2500 करोड़ रुपए तो मिले लेकिन उनका कैसे और कहां उपयोग हुआ इसका कोई जवाब नहीं। यमुना का पानी और ज्यादा गंदा हो गया। गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा। इससे कैंसर हो रहा है, किडनी लीवर खराब हो रहे हैं। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डाटा के आधार पर एलजी ऑफिस ने सोमवार को जानकारी दी थी कि यमुना का पानी बीते 8 साल के शासनकाल में प्रदूषण दोगुना हुआ है। दिल्ली में यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की टेंशन बढ़ा दी है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने एक मासिक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी पिछले साल जनवरी के मुकाबले दिसंबर महीने में ज्यादा प्रदूषित हुई है। प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से मिले डेटा के अनुसार पिछले साल के मुकाबले यमुना में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ गई है। मल में फीकल कोलिफॉर्म पाया जाता है जो पानी में प्रदूषण फैलाता है। इन आंकड़ों में ये साफ है कि यमुना में बिना ट्रीटमेंट के ही पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा यमुना के पानी में प्रदूषण बढ़ने की बजाय उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो गई है। यमुना का प्रदूषण इतना बड़ा है कि उसकी वायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी वीओडी बढ़ी है। पानी में बढ़ी हुई वीओडी प्रदूषण का इंडिकेटर मानी जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।